आमतौर पर गैस की समस्या को लोग मामूली समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर समय रहते इस पर काबू नहीं पाया गया तो इसके चलते भूख कम होना, सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी या पेट फूलना जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने की 6 वजहों के बारे में। वजह नंबर 1, पेट में अच्छे और खराब बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ जाने से गैस बनती है। वजह नंबर 2, उम्र बढ़ने से डाइजेशन धीमा होने लगता है, ऐसे में दूध और दूध से बनी चीजें दही छोड़कर ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाती। वजह नंबर 3, कब्ज की समस्या होने पर शरीर के टॉक्सिन शरीर से बाहर नहीं आ पाते, इसकी वजह से गैस बनने लगती है। वजह नंबर 4, कुछ एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट से शरीर के अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, इससे डाइजेशन खराब होता है और गैस बनने लगती है। वजह नंबर 5, कई बार जल्दी जल्दी खाने से फूड को ठीक से चबा नहीं पाते, इसके चलते भी गैस की समस्या हो सकती है। वजह नंबर 6, ब्रेड और पिज्जा जैसे फूड्स कुछ लोगों को डाइजेस्ट करने में समस्या आती है, इसकी एलर्जी होने की वजह से भी गैस बनती है। तो ये थी गैस होने की प्रमुख 6 वजहें, जिन्हें जानना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। इंडिया न्यूज़ बारेल की रिपोर्ट।